हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। काफ़ी अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बिल्कुल नया विज्ञापन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी इसमें 51,000 से अधिक रहेगी। महिला, SC, ST, PWD कोई फीस नहीं है। जनरल कैटेगरी की जो फीस है मात्र 100 रुपये है। इसमें जो है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो योग्यता केवल 12th या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से। तो मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ में। सैलरी के साथ में जो भी गवर्नमेंट अलाउंसेज होते हैं वो भी आप लोगों को इसमें मिलते हैं। वैकेंसी की यदि हम बात करें तो वैकेंसी जो है अप्रोक्स 2006 वैकेंसीज हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सारी चीज़ हम चेक करेंगे कैसे अप्लाई करना है और लास्ट डेट क्या है। सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है बिल्कुल नया विज्ञापन है, तो 26 जुलाई 2024 से आवेदन स्टार्ट हैं, 17 अगस्त 2024 तक चलेंगे। फीस आपको बता दी, जनरल कैटेगरी की, OBC की मात्र 100 रुपये है। बाकी जो कैटेगरी है SC, ST, PWD, महिला कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है। वैकेंसी जो है इसमें लगभग यानी इससे अधिक भी जो है हो सकती है। 2006 वैकेंसी तो नोटिफिकेशन में दी ही गई है। रिजर्वेशन जो है SC, ST, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन, PWD, इन सभी को जो है गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन बिल्कुल आयु में, फीस में रहेगा ही। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। बाकी जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के इच्छुक रहेंगे, पहले जो है नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही जो है अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो PDF फाइल है काफ़ी लंबी है, 83 पेजेस की है। तो आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। पद का जो नाम है स्टेनोग्राफर Grade C एंड स्टेनोग्राफर Grade D। इसमें जो है Grade C के लिए आयु सीमा जनरल कैटेगरी की 18 से 30 वर्ष है और Grade D के लिए 18 से लेकर 27 वर्ष है। कितनी छूट है तो आप देखें, SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की है, PWD अनरिजर्व में 10 साल की है, OBC के लिए 13 है और SC ST के लिए 15 साल है। अब देख लेते हैं वैकेंसी जो है कहाँ से जारी की गई है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड SSC की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेनोग्राफर Grade C और D की वैकेंसी है। बिल्कुल इसमें एग्जाम होगा, उसके बाद ही जो है इसमें सिलेक्शन रहेगा। एग्जाम में आपके क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें इसी PDF फाइल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पूरी PDF फाइल को अच्छे से पढ़ना है जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे ये भी जो ऑप्शन दिया हुआ है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखें आप, इसमें जो है आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स की होगी, जनरल अवेयरेंस 50 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स इसमें। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, सिलेबस में जो आएगा वो सब इसमें दिया हुआ है। उसके बाद जो है स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट होगा, C और D दोनों का अलग अलग। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपके आने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के 30%, OBC EWS के 25%, ऑल अदर कैटेगरी के 20%। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है, जैसे ही नया विज्ञापन जारी होता है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाता है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन है केवल 12th या फिर आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट ध्यान में रखनी है, 17 अगस्त 2024 लास्ट डेट है। सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ नोटिस बोर्ड में सबसे ऊपर आप लोगों को दिखेगा नोटिस ऑफ स्टेनोग्राफर Grade C D एग्जामिनेशन 2024। तो जो भी एडवर्टीजमेंट नए जारी होते हैं जहाँ पर 12th पास कैंडिडेट या ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो जो है जल्द से जल्द बनाया जाता है। इसके अलावा जो है टीचिंग से जुड़े जितने भी एडवर्टीजमेंट जारी होते हैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता ही चलेगा, चाहे किसी भी राज्य की वैकेंसी जारी हो। सो चैनल से जुड़े रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।